हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम निकले हैं बाहर कुछ थोड़ा बहुत काम करने। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको याद हो अगर तो एक पिछले व्लॉग में बताया था कि जो ये अमित है, अमित जो यहाँ पे जितने भी आप मिल्क के कार्टन्स और जूस के कार्टन्स और या जो भी मतलब लेते हो उसका जो होता है रिसाइकल फीस देना पड़ता है व्हेन यू परचेज द आइटम। तो अगर आप मिल्क खरीदते हो तो भी उस पर एक रिसाइकल फ़ी देनी पड़ती है, जूस बॉक्स खरीदते हो तो एक रिसाइकल फ़ी देनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से हमको ये रिटर्न भी करना होता है, दैट्स वाई वी पे दिस फीस। तो आज वो सब हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिटर्न करते हैं, वो सारे कार्टन्स को। आप नहीं भी कर सकते, सिर्फ रिसाइकल वाले बॉक्स में डाल सकते हो, पर अगर आप देते हो तो फिर आपको जो आपने फ़ी पे करी होती है वो वापस मिल जाती है। तो हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और उसको वापस दे के आते हैं, बिकॉज इट्स गुड फॉर एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज बिकॉज एक तरह से वो फ़ी वापस मिल जाती है। एंड देन इफ़ यू गिव इट टू देम लाइक सार्कोम, जिसको कहते हैं सार्कन जिसे कहते हैं, ये अगर आपको वहाँ दिख रहा हो तो बाहर से भी दिखा देंगे, दैट सार्कन, वहाँ पे अगर आप उसको वापस दे के आते हो तो वो फॉर श्योर शॉट डायरेक्ट रिसाइकलिंग के लिए जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर एनवायरमेंट। तो चलो अमित लेके, अंदर बहुत स्मेल आती है तो मैं अंदर बिल्कुल बर्दाश्त, माई नोज इज़ वेरी सेंसिटिव, मैं बिल्कुल बर्दाश्त कर नहीं पाती हूँ। बट अमित जा रहे हैं अंदर और देखते हैं, अगर मैं जाती हूँ तो आपको अंदर दिखाती हूँ कैसा होता है। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, और उसके बाद हम जाएंगे इंडिया स्टोर और देखेंगे करवा चौथ की क्या मार्केट जैसा लगा है, और कुछ कुछ सामान लेके आएंगे। कल करवा चौथ है तो उसके लिए, सो हु ऑल आर सेलिब्रेटिंग हैप्पी करवा चौथ एवरीबॉडी। चलो फिर चलते हैं, अपना रिसाइकिल का सामान देते हैं। जो है ना सार्किन, इसमें देखे आएंगे, ढक्कन नहीं देने होते हैं, सिर्फ नीचे की बॉटल देनी होती है, वो हमें निकालना पड़ेगा अगर कैप्स होंगी तो। सो लेट्स गो, मम्मी चलना है? ओके, मम्मी तो नहीं जा रही, ठीक है मैं अभी वापस ही आई जाऊंगी। देखते हैं अगर आज मुझसे अंदर की स्मेल बर्दाश्त हुई तो मैं आपको अंदर का दिखा पाऊंगी, क्योंकि सब रिसाइकलिंग होता है तो इट्स यूजुअली लाइक नॉट वेरी। Thank you.
जैसे कि मैंने बोला हम वापस आ गए हैं, जैसे कि मैंने बोला बहुत स्मेली होता है, वैसे ही बहुत स्मेली था। तो कितने डॉलर्स मिले हैं आपको 2 bags ऑफ रिसाइकल देने के? $7.60 एक दूध का कार्टन तो आ जाएगा। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है इंडियन मार्केट, जहाँ से हम लेंगे कुछ करवा चौथ सेलिब्रेट करने का स्टफ, लाइक मेहंदी एंड ऑल। अब यहाँ पे तो कहाँ ही कोई मेहंदी बाहर लगवाने जाएंगे। मैं वैसे ही बहुत अच्छी है ना आर्टिस्ट हूँ, सो आई एम गोना डू इट माई सेल्फ। सो वील गेट सम मेहंदी कोन एंड जो होता है ना कुछ कुछ सरगी वाला चीज़ें, वो थोड़ा हम इंडियन स्टोर में लगी जाएंगे। तो चले मिलते हैं अब वहाँ पर आपसे। सरगी वाला सामान कहाँ है? तो हम इंडियन स्टोर से वापस आ गए हैं सर। उसके बाद हम सुपर स्टोर भी गए थे, वहाँ पे कुछ दिखाने सके इंडियन स्टोर का भी ज़्यादा कुछ दिखाने सके। वहाँ बहुत ज़्यादा रश था ड्यू टू द फेस्टिविटीज़, तो वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत दिवाली की डेकोरेशन का सामान वहाँ पे लगा हुआ था। बट मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, 2 मेहंदी के मैं ये लेके आई हूँ कोन, है ना, कोन्स। एंड ये सिवाई, अगर आई डोंट नो लाइक हमारे दिल्ली में तो है ऐसा ट्रेडिशन कि ये सिवाई ऐसा सरगी खाते हैं, तो ये वो है। और दिस इज़ मीठी वाली मट्ठी होती है, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं दे वुड नो, लेट मी इट्स लाइक दिस। तो बस ये फीकी वाली उन पर ख़त्म हो चुकी थी, तो अगर हम बार बार कहीं गए तो किसी और स्टोर से लेके देखेंगे। बट या सो फार दैट्स ऑल। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। वैसे भी बहुत थक गए थे, पूरा किचन विचन देखो अब हमने सेट कर लिया है सब कुछ, तो बहुत थक गए थे। तो विल प्रॉबेबली शूट सम अदर वीडियो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन कैनेडा, स्पेशली इंडो कैनेडा जो चल रहा है उसके बारे में शायद हम एक वीडियो ड्रॉ करें। सो डू लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी एंड सी यू सून एंड हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग।